आइए देखते हैं कि इस प्रकार के नंबर एनालॉजी के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि आपके एसएससी के हर एक एग्जाम में यह प्रश्न आता है और कैसे आप इसको हल करेंगे समझते हैं। तीन का संबंध अगर 10 से है, 7 का संबंध किससे होगा, गौर कीजिएगा। तो तीन में अगर हम क्या करें भाई, तीन में 7 जोड़ दें 10, तो 7 में 7 जोड़ दें 14, ऑप्शन में नहीं है। 3 2 6 + 4, तो यहां पर 7 2 14 + 4 18 होना चाहिए, नहीं है। अब इसमें क्या हुआ कि तीन का अगर हम क्यूब कर लें तो 27 नहीं होगा, 3 3 9 3 जा, तो ये 7 2 9, उसमें एक एक्स्ट्रा लिया गया तो ये 10। तो 7 का भी अगर हम क्यूब कर लें तो 343 होता है ना। तो यहां पर 4 3 7 3 कितना 10, और 10 में अगर एक एक्स्ट्रा जोड़ दें तो 11, तो अपना आंसर 11 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।